हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। एंड गाइस, आपके सामने ये जो बंदा खड़ा है ये मैं हूँ, और मैं फंस चुका हूँ एक ऐसे टापू पे जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई एनिमल्स, ना कोई वीट, कुछ भी नहीं। और सर्वाइविंग के नाम पे बस एक पेड़ दिया गया है, और अगर गलती से भी मैं इस जमीन के नीचे चला जाऊंगा तो वहां पे इंतजार कर रहे हैं मेरे बहुत ही सारे मॉब्स, जो कि यार मेरे को देखते ही मार डालेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मैं इस सर्वाइवल आइलैंड पे जहां पर रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है और सिर्फ एक पेड़ है, तो क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा इस आइलैंड पे? ये तो यार वक्त ही बताएगा। खैर, अब इससे पहले यार हम इस रोमांचक सफर की तरफ आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यार इस वाली वीडियो को बनाने में मेरे को 33 घंटे से भी ज्यादा की मेहनत लगी है, और आपके सामने लाने में 36 से 37 घंटे लग गए हैं। तो मेरी इस मेहनत के लिए आप एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि गाइस मैं इसी तरीके की तगड़ी तगड़ी वीडियोस लाता रहता हूं, और ये चीज करने में आपका 1 सेकंड भी लगेगा, लेकिन हां मेरी जो घंटों की मेहनत लगी है वो वसूल हो जाएगी। तो चलते हैं गाइस आज के इस वाले रोमांचक अनजाने खतरनाक सफर की तरफ। अब अपना D1 स्टार्ट हो चुका था, और मैं फटाफट यार इस पेड़ की तरफ आता हूँ, क्योंकि यही इकलौता जरिया था मेरे सरवाइव करने का। तो फटाफट यार मैं लकड़ियां लेता हूँ, एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, एंड देन इसके बाद पिकेक्स एंड एक्स बनाता हूँ, एंड देन इसके बाद मैं इस पेड़ की लीव्स को हटाता हूँ जिससे कि यार मेरे को सैपलिंग मिल जाए, और सैपलिंग की मदद से मैं एक और पेड़ लगा सकूँ। और कमाल की बात, मेरे को एक सैपलिंग भी मिल जाता है। अब इसके बाद मैं स्टोन की मदद से एक सोल बनाता हूँ, थोड़ी डर्ट कलेक्ट करता हूँ, और भाई एक हल्का सा छोटा सा आइलैंड बनाता हूँ अपनी सैपलिंग को लगाने के लिए। अब सैपलिंग को मैंने लगा दिया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा था कि यहाँ पर यार खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद मैं अपना दिमाग थोड़ा चलाता हूँ, और यहाँ पर मेरे को घास दिख रही थी तो मैं उन घास को डिस्ट्रॉय करता हूँ और कलेक्ट करता हूँ थोड़े वीट सीड। एंड इसके बाद मैं अगेन एक छोटा सा टापू और बनाता हूँ वीट सीड लगाने के लिए। अब बस मेरे को इंतजार था कि ये वीट बड़े हों और भाई मेरे को ब्रेड खाने को मिले। खैर, अब इसके बाद मैं अपने आप को पूरे को अपग्रेड करता हूं स्टोन में, और D1 की शाम को मैं समुद्र के किनारे बैठ के अपने ओक सैपलिंग को प्लस वीट को देखता हूं कि जल्दी से ये बड़े हो जाए और मैं किसी तरीके से सरवाइव कर पाऊं, और एंजॉय करता हूं सनसेट को। D2 की स्टार्टिंग होती है, मेरी जो वीट थी वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही थी। खैर, अब इसके बाद मैं थोड़ी और वीट सीड्स कलेक्ट करता हूं और उनको लगा देता हूं। अब इसके बाद मैं वेट करता हूं, बहुत वेट करता हूँ, काफी ज्यादा वेट करता हूँ, एंड इसके बाद फाइनली अपना जो ट्री था वो ग्रो हो चुका था। एंड देन इसके बाद मैं फटाफट वहां से थोड़ी और वुड कलेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये थी कि जो मेरे हंगर बार थे वो तेजी से खत्म हो रहे थे, लेकिन इतने में अपनी वीट ग्रो हो चुकी थी तो मेरे को ईजिली ब्रेड मिल जाता है, और ब्रेड खा के मैं अपनी भूख मिटाता हूँ, एंड देन जाकर इस पेड़ को मिटा दिया। अब इसके बाद मेरे को यार इसके लीफ से मिल जाते हैं 2 सैपलिंग, मतलब कि अब 1 से 2 पेड़ हो चुके थे। और D2 की रात भी मैं एक छोटे से डर्ट के हाउस में ही बिताता हूं। अब D3 की सुबह को मैं एक पास वाली केव में घूमने आता हूँ, और यहाँ पर मेरे को किस्मत से आयरन मिल जाता है, और 4 आयरन की ओर मिलने के बाद मैं देखता हूँ कि अपना ये जो एक सैपलिंग है वो बड़ा होकर ट्री बन गया है। तो मैं वापस आता हूँ, इसको काटता हूँ, इसकी लीव्स को डिस्ट्रॉय करता हूँ, एंड अगेन हमको मिल जाते हैं 3 सैपलिंग्स। तो अब हमारे पास टोटल 4 ट्री होने वाले थे, एंड देन जाकर मैं इस आयरन को स्मेल्ट करता हूँ, एंड अगेन आ जाता हूँ एक और केव में। अब यहां से मैं फटाफट आयरन लेता हूं, बिकॉज मॉब्स जो थे वो किसी भी टाइम आ सकते थे। अब सबसे पहले यार मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए शील्ड बनाता हूं, एक बकेट बनाता हूं, एंड देन जाकर बचे कुछ आयरन से मैं बना लेता हूं एक आयरन का हेलमेट। एंड देन इसके बाद जो हमारे सैपलिंग्स थे वो वापस से ग्रो के ट्री बन गए थे, तो मैं उनको अगेन लगा देता हूं, और इस बार हमारे पास टोटल 6 सैपलिंग हो चुके थे। और फिर से D3 की रात मैं उसी डर्ट के हाउस में बिताता हूं। अब D4 आ चुका था, और अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बाकी के डेज अब वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास शील्ड आ चुकी है, आयरन का हेलमेट आ चुका है, तो ये टाइम है माइनिंग का। अब इसके बाद मैं जैसे ही माइनिंग कर रहा था तभी मेरे को एक अंडरग्राउंड केव मिल जाती है, और भाई इसको देख के मैं काफी ज्यादा खुश था। और गाइस इसके बाद मेरे को यहां पर यार बहुत ही सारा आयरन मिलता है, और इस आयरन को भाई मैं फटाफट फर्नेसेस में डाल देता हूं। अब यहां तक मैं किसी भी तरीके से मॉब से बचते बचाते आयरन कलेक्ट कर लिया था, लेकिन जैसे ही D7 होता है मेरे सामने आ जाता है गेम का पहला एनिमी।
और क्रीपर को देख के मैं काफी ज्यादा पैनिक था, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट होता तो गेम वहीं खत्म हो जाता। लेकिन भाई साहब यहां पर मैंने इसको मार दिया और इसको मारने की साथ ही साथ खुशी भी बनाई। खैर अब इसके बाद हमारे पास इतना सफिशियंट आयरन हो चुका था कि हम फाइनली एक आयरन का आर्मर तैयार कर सके। अब डे 8 आ चुका था, हमारे पास आयरन का आर्मर था, आयरन के टूल से प्लस एक शील्ड थी, मतलब कि अब हमें मोब से और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। अब इसके बाद मैं काफी ज्यादा मोब मारता हूँ, काफी ज्यादा आयरन कलेक्ट करता हूँ और इस पूरी गेम को घूमता हूँ। अब डे 10 होते होते मेरे पास मेरा जो फूड था वो खत्म हो चुका था, तो मैं डिसाइड करता हूं कि फाइनली अब यहां से निकला जाए। लेकिन जैसे ही मैं यहां से निकल लाता हूं, मेरा मुकाबला हो जाता है एक खतरनाक मॉब से, जो कि यार मेरे को हाफ हर्ट कर देता है। अब जैसे तैसे मैं सरवाइव करके डे 12 की सुबह को ऊपर आता हूँ। अब मेरे को लग रहा था कि मेरी ये जो हार्डकोर सीरीज है वो यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन भाई साहब अपनी वीट ग्रो हो चुकी थी। मैं फटाफट ब्रेड खाता हूँ और अपने हेल्थ बार फुल करता हूँ। खैर अब यहाँ पे मेरे को फूड मिल चुके थे, तो मैं अगेन आ जाता हूँ माइनिंग के लिए, और इस बार हम करने वाले थे डायमंड माइनिंग। तो डे 13 और डे 14 निकल जाता है बिना कुछ हाथ लगे, लेकिन जैसे ही डे 14 की रात होती है भाई, मेरे को मिल जाती है एक बहुत 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 ज्यादा बड़ी लावा पेट। अब लावा का हमारा कोई काम नहीं था, दैट्स वाई मैं लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करता हूँ, इस केव से बहुत सारा आयरन लेके स्मेल्टिंग के लिए डाल देता हूँ। एंड गाइस अगेन स्टार्ट कर देता हूँ माइनिंग, और कमाल की बात जैसे ही डे 16 होता है, डे 16 की दोपहर को मेरे को भाई मिल जाते हैं डायमंड्स। अब इन डायमंड्स को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश था, मतलब मैं इतना ज्यादा खुश था कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जैसे कि आप मेरे फेस पे देख सकते हो। अब इसके बाद मैं इन डायमंड्स को कलेक्ट करता हूँ, मैं सारे डायमंड्स को कलेक्ट नहीं करता, मैं सिर्फ 3 डायमंड्स को कलेक्ट करता हूँ, एंड 3 डायमंड से मैं बनाता हूँ एक डायमंड की पिकैक्स। ऑब्सीडियन कलेक्ट करता हूँ बिकॉज मेरे को बनानी थी एक एनचेंटिंग टेबल, और मेरा प्लान ये था कि एनचेंटिंग टेबल की मदद से मैं फॉर्च्यून ट्री करके बाकी के डायमंड और को कलेक्ट करूंगा, जिससे कि यार मेरे को काफी ज्यादा डायमंड्स मिलेंगे। और फटाफट यार मैं ऑब्सीडियन कलेक्ट करता हूं, जो आयरन मैंने डाला था स्मेल्ट होने के लिए वो लेता हूं और आ जाता हूं अपने घर। अब इन दिनों मैंने काफी ज्यादा स्पाइडर मारे थे, तो हमारा बेड बनके तैयार हो चुका था और हम आ चुके थे गेम के नेक्स्ट लेवल पे, मतलब कि अब हमारे सर्वाइवल आइलैंड पे एनिमल्स की स्पॉनिंग स्टार्ट हो गई थी, लाइक पिग्स, काउ, चिकन्स। अब इतने यार अपनी एनचेंटिंग टेबल तैयार होती, इतने काउ स्पोन होती, मैं डिसाइड करता हूँ कि फाइनली ये टाइम है यार अपने आइलैंड पे काम करने का और इसकी खूबसूरती पे 4 चांद लगाने का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे आइलैंड को प्लेन करता हूँ और मैं इसको एक परफेक्ट साइज देता हूँ। अब आइलैंड को प्लेन करने में प्लस एक परफेक्ट साइज देने में मेरे को लग जाते हैं 4 दिन, लेकिन मेरी ये 4 दिन की मेहनत रंग लाती है। और अब अपना आइलैंड पहले कुछ ऐसा था, लेकिन मेरी 4 दिन की मेहनत के बाद आइलैंड अब दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। अब डे 24 आ चुका था एंड ये टाइम था यार अपने काउस के लिए फार्म बनाने का। तो डे 24 की सुबह होते ही मैं लग जाता हूँ भाई काउस के लिए एक घर बनाने के लिए, एंड देन इसके बाद मैं वीट की मदद से 3 काउस को अपने इस फार्म में लाता हूँ। अब काउस की जरूरत हमको पड़ने वाली थी अपनी एंचेंटमेंट टेबल को मैक्स करने के लिए, लेकिन यहाँ पर यार एक दिक्कत वाली बात हो जाती है, मेरी 2 काउस भाई पानी के अंदर चली जाती है और मैं इनको चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन तभी एक ट्रेडर आता है फरिश्ता बनकर। अब इसके बाद मैं ट्रेडर की जब ट्रेडिंग चेक करता हूँ तो ये कुछ खास सामान नहीं लाया था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं बोलता हूँ कि क्यों ना यार इसकी लीड लेके अपनी काउस को बाहर निकाला जाए। अब फटाफट यार मैं ट्रेडर की लीड लेता हूँ और बाकी की बची 2 काउ को सेफली भाई फार्म के अंदर ले जाता हूँ। और डे 24 की रात को मैं एक चैन की गहरी नींद लेता हूं। और गाइस डे 25 की सुबह को फाइनली मैं अपनी एंचेंटमेंट टेबल तैयार करता हूं और इसको एक रैंडम जगह पे प्लेस कर देता हूं। एंड देन इसके बाद मैं अपनी काउस को ब्रीड करता हूं, लेकिन जैसे ही यार मैं काउस को ब्रीड करके यहां से जा रहा था, तभी हमारे बेस पे कुछ प्लेजर्स का हमला हो जाता है।
जहाँ पर यार मैं थोड़ा डर चुका था बिकॉज ये काफी ज्यादा पावरफुल थे, मेरे 1.5 हर्ट बचे थे, लेकिन फिर मैं दिमाग से काम लेता हूँ और इनको इजिली मार देता हूँ। अब D26 की सुबह को मैं अपने पिक्स के लिए एक छोटा सा फार्म बनाता हूँ एंड यहाँ पे 2 पिक्स को लेके आता हूँ एंड देन इसके बाद उनके खाने का भी सोर्स बना रहा था, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक छोटा सा कैरेट फार्म एंड 2 कैरेट मेरे को मोब्स को मारने से मिल गई थी। एंड गाइस अब हमारे पास 3 फार्म हो चुके थे, व्हीट फार्म, ट्री का फार्म एंड देन कैरेट का फार्म। अब इसके बाद ये टाइम था कुछ मस्त और कुछ बड़ा बिल्ड करने का, तो D26 की रात को मैं एक अच्छे से गहरी नींद लेता हूँ बिकॉज आने वाले डेज मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे। अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं माइनिंग पे अगेन तभी जाऊंगा जब अपनी एंचेंटमेंट टेबल बनके तैयार हो जाएगी एंड हमको मिल जाएगा 4 चून 3। अब इस बीच मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मैं डिसाइड करता हूं कि अब बनाया जाएगा एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा घर। अब अपने घर को बनाने में यार काफी ज्यादा वुड लग रहा था, इसलिए यार मेरे को अगेन एंड अगेन अपने ट्री फार्म पे जाना पड़ रहा था। और D40 होते होते ऑलमोस्ट मेरा ये जो घर था ये बनके तैयार हो चुका था, और बनने के बाद भाई साहब इसने इस सुनसान से आइलैंड पे 4 चांद लगा दिए थे। अब D40 की रात को ही भाई मैं इसके इंटीरियर का भी काम कंप्लीट कर देता हूँ और अपना सारा सामान भाई अपने इस प्यारे से घर के अंदर डाल देता हूँ। अब पिछले कुछ दिनों में हमारी यार एंचेंटमेंट टेबल भी बनके तैयार हो चुकी थी, तो मैं डिसाइड करता हूँ ये टाइम है यार गेम के नेक्स्ट लेवल पे जाने का, द नेदर। नेदर एक खतरों की जगह जहां पर पलक झपकते ही मेरी ये जो हार्डकोर सीरीज है और 40 दिन की मेहनत है सब बर्बाद हो सकती थी, लेकिन फिर भी भाई मैं डरने वालों में से नहीं था। मैं सीधा D41 की रात को मैं आ जाता हूँ नेदर के अंदर, और जहां पर मेरे को एक्स भी चाहिए थी बिकॉज एंचेंटमेंट टेबल की मदद से मेरे को भाई अपने पिकएक्स को नेक्स्ट लेवल का करना था। अब D42 एंड 43 को मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत सारी एक्सपी एंड D44 की सुबह को मैं वापिस से अपने घर आ जाता हूँ अपने पिकेक्स को एंचेंट करने के लिए। अब यहाँ पर मेरी डायमंड पिकेक्स पे इफिशियंसी 4 एंड अनब्रेकिंग 3 मिल चुकी थी, लेकिन ये वो एंचेंटमेंट नहीं थी जो मुझे चाहिए थी, तो इसीलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि आने वाले डेज मैं नेदर के अंदर बिताऊंगा, और इन दिनों मेरे 2 काम रहेंगे, अपनी एक्सपी को ज्यादा से ज्यादा करना एंड सेकेंड फोर्ट्रेस को ढूंढना। अब मैं नेदर के अंदर करीब 16 दिन बिताता हूँ, लेकिन मेरी ये 16 दिन की मेहनत बेकार नहीं जाती, मेरे को फाइनली फोर्ट्रेस मिल जाती है। अब जैसी मेरे को फोर्ट्रेस मिलती है तो मैं तुरंत घर आ जाता हूँ। अब इस बीच मेरी जो एक्सपी थी वो भी भाई काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब D61 हो चुका था और मैं अपने और ज्यादा दिन वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं फटाफट यार अपनी डायमंड पिकेक्स को एंचेंटिंग के लिए रखता हूँ, और कमाल की बात मेरे को पहली ही एंचेंटिंग में इफिशियंसी 4, अनब्रेकिंग 3 एंड 4 चून 3 मिल जाती है, तो ये टाइम था माइनिंग करने का। तो मैं फटाफट एक चैन की नींद लेता हूँ और D62 की सुबह को ही मैंने जो डायमंड छोड़े थे उनको माइन करने आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को 3 डायमंड्स की ओर से मिल चुके थे 6 डायमंड्स, और ये टाइम था अपने डायमंड आर्मर को कंप्लीट करने का। तो आने वाले कुछ डेज मैं डिसाइड करता हूँ कि जब तक कि मेरे को सफिशियंट डायमंड्स नहीं मिल जाते आर्मर प्लस टूल्स के लिए, मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब जैसे यार D65 की रात होने वाली थी तभी मेरे हाथ लग जाते हैं थोड़े और डायमंड्स। अब इन डायमंड्स को देख के मैं खुश था, लेकिन इतना भी खुश नहीं था बिकॉज अभी मेरा जो डायमंड आर्मर था वो मुझसे थोड़ा दूर था। अब इसके बाद यार मैं अगेन अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ, और जैसे ही D66 की रात होने वाली थी मेरे हाथ अगेन लग जाते हैं थोड़े और डायमंड्स।
अब यहाँ पर मेरे पास इतने डायमंड हो चुके थे कि मैं फाइनली अपनी माइनिंग को छोड़ सकता था और इन डायमंड से मेरा आर्मर बन सकता था, लेकिन मेरे को डायमंड के टूल भी चाहिए थे, इसलिए यार मैं माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। और फाइनली सामने की तरफ मेरे को एक लावा पीट दिखती है और जैसे मैं इस लावा पीट के आसपास माइन करता हूँ मेरे हाथ लग जाते हैं थोड़े और डायमंड्स। अब इन डायमंड्स को देख के मैं काफी ज्यादा खुश था बिकॉज फाइनली यार मेरे को माइनिंग से राहत मिल सकती थी और मेरा डायमंड आर्मर प्लस टूल्स के लिए ये डायमंड काफी थे। अब डे 69 की रात को ही मैं इस केव को प्लस माइनिंग को अलविदा बोलता हूं और डे 70 की सुबह होते ही मैं तैयार करता हूं अपना डायमंड आर्मर प्लस डायमंड के टूल्स। एंड गाइस इसके बाद मैं अपने आयरन आर्मर को आयरन स्टैंड पे लगाता हूँ और ये टाइम था अपने डायमंड आर्मर को एनचेंट करने का। अब मेरे को जैसी एनचेंटिंग मिली थी मैं वैसी एनचेंटिंग ले रहा था। अब इसके बाद मेरे को सूज पे यार फेदर फॉलिंग 4 ही चाहिए था, दैट्स व्हाई मैं इसको बहुत देर तक डिसएन्चेंट करता हूं, एन्चेंट करता हूं, डिसएन्चेंट करता हूं। लेकिन काफी ज्यादा मेहनत के बाद मेरे को फाइनली फेदर फॉलिंग 4 मिल जाती है एंड इसी के साथ मैंने अपने आर्मर को फुल्ली एन्चेंट कर लिया था और ये टाइम था एक सिनेमेटिक शॉट का। अब मेरा एक दिन क्रीपर की वजह से पूरा का पूरा वेस्ट जाता है क्योंकि ये दिन मेरे घर को रिपेयर करने में लग जाता है। लेकिन जैसे ही मेरा घर रिपेयर होता है मैं तुरंत नेदर आ जाता हूँ ब्लेज से दो दो हाथ करने के लिए। अब एक तरफ से मेरे को ब्लेड मार रही थी, दूसरी तरफ से घास मार रही थी और ऐसी सिचुएशन में मेरे पास पैनिक होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। खैर जो भी था, अब मैं भी इनकी आंख में आंख गड़ा के इनका सामना करता हूं। अब ब्लेड मुझसे बचने की हर एक कोशिश कर रहे थे लेकिन आज वो मुझसे बचने वाले नहीं थे। और अब कई बार किस्मत ने भी मेरा साथ दिया, मैं कई बार मरते मरते बचा। खैर अब जो भी था, मैंने इन ब्लेज को मजा चखा दिया था और मेरे पास आ चुकी थी 10 ब्लेज रोड। अब इन 10 ब्लेज रोड को लेके मैं जैसे घर जा रहा था एक ब्लेज मेरा रास्ता रोकती है, लेकिन बदले में मेरे को एक और ब्लेज रोड मिल जाती है। अब मेरे पास टोटल 11 ब्लेज रोड हो चुकी थी और ये टाइम था एंडर ड्रैगन को सबक सिखाने का। लेकिन एंडर ड्रैगन और मेरे बीच एक चीज आ रही थी जो कि थी यार एंडर पर्ल। अब मेरे पास एंडर पर्ल बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही मैं कहीं से ट्रेडिंग करके ला सकता था, तो दैट्स व्हाई आने वाले कुछ दिन भाई मैं बहुत सारे एंडरमैन को मारता हूं, लिटरली बहुत सारे। अब दिन में यार मुश्किल से एक या दो एंडरमैन स्पॉन होते थे लेकिन रात के टाइम ही मेरे को भाई एक अच्छे खासे एंडरपल्स मिलती थी। अब मैंने सोचा नहीं था कि इस चीज को करने में इतने ज्यादा देर निकल जाएंगे, लेकिन फाइनली डे 95 आ चुका था और मेरे पास एंडर आई भी आ चुकी थी, प्लस ये टाइम था यार एंडर ड्रैगन को मारने का। लेकिन 5 दिन के अंदर एंड ड्रैगन को मारना थोड़ा हार्ड था, इसीलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि आने वाले 5 दिन मैं अपने आइलैंड पे काम करूंगा और इसकी खूबसूरती पे 4 चांद लगाऊंगा। अब इसके बाद मैं नेदर आ जाता हूँ, काफी सारा ग्लोस्टोन कलेक्ट करता हूँ, इसको अपने आइलैंड पे लगाता हूँ, प्लस अपने घर पे थोड़े लैंटेन लगाता हूँ और डे 100 के अंदर मैंने इस आइलैंड को ऐसे से ऐसा बना दिया था और फाइनली 100 डेज भी सरवाइव कर लिए थे। तो गाइस कैसी लगी यार आपको आज की ये वाली वीडियो? अब गाइस अगर आप मेरी और 200 डेज की प्रोग्रेस देखना चाहते हो जिसमें कि यार हम मारने वाले एंडर ड्रैगन को, हराने वाले विदर को और अपने आप को कवर करने वाले हैं नेदरराइट में, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको 200 डेज की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अब लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना बिकॉज आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को ऑल पे कर देना क्योंकि आने वाली वीडियोस काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो मैं चलता हूं और मिलता हूं ऐसी ही एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, पीस।